वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना टीडीएस टीसीएस और एडवांस टेक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपको पता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीडीएस टीसीएस तो ऑलमोस्ट आपको हर अटेम्प्ट में मिलेगा क्वेश्चन, एडवांस टेक्स का भी ऑन एंड ऑफ आता है, करेक्ट। तो ऑलरेडी हम लोग प्रोविजन डिस्कस कर चुके थे, मैं इसका रिविजन ऑलरेडी ले चुका हूँ। टूडे आई विल बी डिस्कसिंग विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, करेक्ट। तो ये आपका स्टडी मटेरियल है। इफ यू कम टू पेज नंबर 7.129, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। साथ साथ में आज हम इस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशंस भी जो मुझे लगेगा बहुत ही ज्यादा इजी है उसको देख लेंगे ऊपर से, अदरवाइज इलस्ट्रेशंस भी करनी है हमें। और साथ साथ में अगर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जिसका हमारे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नहीं है बट MTP में या फिर पास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो उसके ऊपर भी करेंगे। जैसे कि 194N होता है कैश विड्रॉल का, काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर का फेवरेट है, वो पूछता है उसमें से क्वेश्चन। बट आप स्टडी मटेरियल में देखते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं है, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। हो सकता है कि क्लास थोड़ी सी बड़ी रहे बट इट वुड बी वर्थ इट, करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ 7.129, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1, अश्विन डूइंग मैन्युफैक्चर एंड होलसेल ट्रेड। अश्विन इज अ बिजनेसमैन, इंडिविजुअल है। अब पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मैं साथ साथ में आपको रिवाइज भी कराता रहूंगा कंसेप्ट, पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिविजुअल और HUF के ऊपर भी TDS के प्रोविजंस होते हैं? अगर इंडिविजुअल किसी को पेमेंट करेगा तो क्या TDS के प्रोविजंस होते हैं? तो जनरली हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम सेक्शन हमारे ये कहते हैं कि इंडिविजुअल HUF के ऊपर TDS के प्रोविजंस नहीं लगते अनलेस एंड अंटिल उनका प्रीसीडिंग ईयर का, लास्ट ईयर का टर्न ओवर 1 करोड़ या 50 लाख, प्रोफेशन के केस में 50 लाख, अदरवाइज 1 करोड़। तो 1 करोड़ या 50 लाख से अगर एक्सीड करेगा तभी उनके ऊपर TDS के प्रोविजंस होंगे, वो लोग जब किसी को पेमेंट करेंगे तो TDS डिडक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर उनका टर्नओवर उससे ज्यादा नहीं है, लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, जनरली हम लोग जानते हैं। हाँ, ऑल्दो देर आर सर्टन सेक्शंस जहां पर हम टर्नओवर नहीं देखते, जैसे कि 194M वगैरह हो जाते हैं सेक्शंस, वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा जैसे जैसे वो आएंगे, ऑब्वियसली वो आएगा आगे भी तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा। तो जनरल प्रोविजंस इंडिविजुअल और HUF का अगर लास्ट ईयर का टर्न ओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाता है 1 करोड़ या 50 लाख एट द केस में भी, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि अश्विन इज एन इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टोटल टर्न ओवर, तो साफ साफ इन्होंने टोटल टर्न ओवर की इंफॉर्मेशन दे दी। अब देखिए करंट ईयर है हमारा, प्रीवियस ईयर 23-24, यहां पर टर्न ओवर हमारा 95 लाख है। सर 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा, TDS के प्रोविजंस तो नहीं लगेंगे इनके ऊपर? नहीं, देखिए अगर हमें 23-24 में TDS किसी का डिडक्ट करना है तो हमें देखना पड़ेगा अपना लास्ट ईयर का टर्नओवर। इसीलिए अगर हम अपना लास्ट ईयर का टर्नओवर देखेंगे 22-23 का, इट वाज मोर देन 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज से ऊपर है। यानी कि अगर किसी भी चीज पर TDS के प्रोविजंस लगेंगे तो अश्विन वुड बी लायबल इन दिस ईयर बिकॉज हम लास्ट ईयर का टर्न ओवर देखते हैं। तो किस ईयर में TDS लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है लास्ट ईयर के टर्न ओवर पर। आई बिलीव ये इस बात से आप अच्छे से क्लियर हैं, ओके। क्वेश्चन ने पूछा गया है हमसे, एग्जामिन वेदर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड फॉर द बिलो सेड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। यानी कि इस साल हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, क्या उसके ऊपर हम TDS डिडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो सबसे पहले तो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो गई कि उससे लास्ट ईयर के टर्नओवर का हमारा बिजनेस कर रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर था, तो जहां जहां पर TDS के प्रोविजंस लगेंगे हम TDS डिडक्ट करेंगे, राइट, ओके। नाउ कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं और हमें बताना है कि TDS लगेगा या नहीं लगेगा, करेक्ट, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको एग्जाम में भी कैसे प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट, इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक ऑन 15/8/23 41,000 रुपीज। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर अश्विन पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट की किसको, यूको बैंक को। यानी कि अगर TDS डिडक्ट करेगा तो अश्विन करेगा TDS डिडक्टर और यूको बैंक डिडक्टिव हो जाएगा रिसीवर, राइट। तो यूको बैंक को पैसे मिल रहे हैं। अब सबसे पहले याद कीजिए यहां पर बातें हो रही है इंटरेस्ट, वी हैव टू सेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट इन TDS, एक होता है 193 और दूसरा होता है 194A, इसके बीच में 194 सिर्फ आता है, दैट इज फॉर डिविडेंड, राइट।
तो ये दोनों ही इंटरेस्ट के सेक्शन है 193 और 194 ए, साथ साथ रिवाइज भी कीजिए अपना। 193 होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आप सिक्योरिटीज आपने इशू की हैं तो मेनली कंपनीज वगैरह सिक्योरिटीज इशू करती हैं लाइक डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट है तो 193 में जाता है। तो यहाँ पर 193 तो है नहीं, राइट। 194 ए वो कहता है अदर इंटरेस्ट का, अदर इंटरेस्ट माने अदर देन सिक्योरिटीज। ओके, तो जनरली क्या होता है, अगर हमने कहीं पर डिपॉजिट किया है या फिर किसी को लोन वगैरह दिया है तो, या फिर लोन लिया है तो हमारा इंटरेस्ट आता है, ठीक है, लोन्स वगैरह के केसेस में यहाँ पर इंटरेस्ट आता है, या फिर अगर जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक जब हमें पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस डिडक्ट करता है 194 ए में, या फिर फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी से लोन लिया, मान लेते हैं अश्विन ने किसी से लोन लिया तो इसने यूको बैंक से लोन लिया होगा तो अश्विन इज पेइंग इंटरेस्ट टू देम, तो क्या इसको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले तो मुझे 194 ए की लिमिट्स रिवाइज कराइए, इसकी लिमिट्स क्या होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, कब हम टीडीएस लगाएंगे। देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट होती है अगर हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी लिमिट होती है 40,000 रुपीज। जब बैंक हमें पे करेगा, देखो यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो रहा है, हम बैंक को पे कर रहे हैं, मैं बातें कर रहा हूँ जब बैंक हमें पे करता है, जब अगर बैंक, अगर बैंक जब हमें पे करेगा, ठीक है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा, तो उसकी लिमिट होती है 40,000, और अगर रिसीवर एक सीनियर सिटीजन है तो उसकी लिमिट हो जाती है 50,000, ठीक है। अदर देन बैंक्स वगैरह के इंटरेस्ट के ऊपर होती है 5,000 की लिमिट, यानी कि मान लेते हैं कि हमने किसी से लोन लिया और हम उसको 5,000 से ऊपर का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। अब प्लीज मुझे बताइए अश्विन यूको बैंक को पैसे क्यों पे कर रहा है इंटरेस्ट के, बिकॉज अश्विन ने यूको बैंक से लोन लिया, करेक्ट, और कितना अमाउंट है 41,000, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जा रहा है, कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट लगानी है यहाँ पे वैसे, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे लगेगा नहीं टीडीएस, बट फिर भी थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सी लगाएंगे, सर 40,000 की वरी लगा देंगे बिकॉज बैंक से मिल रहा है, नहीं 5,000 की लगाएंगे। 40,000 होता है जब बैंक हमें पैसे पे करता है, राइट, तो बैंक जब टीडीएस डिडक्ट करेगा तब वो 40,000 की लिमिट होती है, 50,000 की लिमिट होती है, ऐसा केस में भी, ठीक है, अदर इंटरेस्ट के ऊपर 5,000 की लिमिट होती है, यानी कि अगर हम किसी को पे कर रहे हैं तो 5,000 की लिमिट लगाएंगे, करेक्ट, ओके। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम 194 ए पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि कुछ केसेस में टीडीएस अप्लाई नहीं होगा, उसमें से एक केस है अगर रिसीवर, अगर रिसीवर एक बैंकिंग कंपनी है, एक बैंक है, राइट, या कोऑपरेटिव बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, LIC है, इंश्योरेंस कंपनी है, अगर रिसीवर इस केस में एक बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा है, तो 194 ए के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, टीडीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो इनफैक्ट ये 194 ए की एक्सेप्शन में आता है, तो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पर कवर्ड होगा, सिंस द इंटरेस्ट इज बीइंग पेड टू, रिसीवर कौन है, यूको बैंक, तो अगर रिसीवर एक बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह है, हम टीडीएस नहीं लगाएंगे, तो इस केस में टीडीएस नहीं आएगा, करेक्ट। तो इसको अभी हम लिखना सीख लेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, बट इस केस में टीडीएस नहीं आएगा, गॉट इट। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू राज, अब हम लोग जानते हैं जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नाम आता है तो सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे याद कीजिए 194 सी लग जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स पर 194 सी है। तो प्लीज बताइए अगर अश्विन ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो टीडीएस डिडक्ट होता है, पहले तो मुझे थ्रेशोल्ड लिमिट रिवाइज कराइए। 194 सी होता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, याद आ रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगता है, और थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, डिपेंड करता है, अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो 30,000 की लिमिट होती है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर 30,000 से ज्यादा का नहीं है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वी अंडरस्टैंड द लिमिट इज 1,00,000 रुपीज, अगर ड्यूरिंग दिस ईयर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने दिए हैं उसका एग्रीगेट कीजिए, इफ इट इज गोइंग अबव 1,00,000 रुपीज तो टीडीएस डिडक्ट होता है, राइट। रेट क्या होता है टीडीएस का 194 सी में, सर वी हैव 1% ऑल्सो 2% ऑल्सो, यानी कि जो रिसीवर है अगर वो एक इंडिविजुअल और HUF है तो 1% डिडक्ट होगा, अदर देन इंडिविजुअल और HUF है तो 2% डिडक्ट होगा, यानी कि अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और जिसको दिया वो एक पार्टनरशिप फर्म है तो 2% डिडक्ट होगा, हम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल है तो 1% डिडक्ट होगा, एंड दीज आर द थ्रेशोल्ड लिमिट। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू राज, हमने राज को पेमेंट किया, अब राज एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो 1% वैसे तो अगर एप्लीकेबल रेट होगा तो 1% होगा,
टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 12,000 ईच, यानी कि 12,000 के दो कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट लगाइए, कोई भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ऊपर का नहीं था, ओके। फिर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या करते हैं, हम एग्रीगेट करते हैं, अगर एग्रीगेट करेंगे तो इट इज जस्ट कमिंग 24,000, 1 लाख से एक्सीड नहीं किया। तो इस केस में जब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं 24,000 रुपीज की, तो कोई भी TDS नहीं आएगा। रीजन क्या होगा, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको भी हम लिखना सीख लेंगे। उसके बाद हमने शॉप रेंट पे किया। अब रेंट पे करने पर एक सेक्शन बताइए, सेक्शन होता है 194I, रेंट पे करने पर। ऑल्दो एक IB भी होता है, वो भी मैं आगे बता दूंगा, पर जनरली 194I। अगर इंडिविजुअल HUF है और अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है या 50 लाख से ऊपर है, तो आप 194I में TDS डिडक्ट करते हो। IB क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी, ओके। तो 194I ये कहता है कि अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं और पूरे साल में इट इज मोर देन 2,40,000 रुपीज, तो आप 10% का TDS डिडक्ट करोगे। बट अगर आप रेंट पे कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी पर, तो रेट हो जाएगा 2%, राइट। तो 194I में वी हैव रेट 10% जनरल रेट, और 2% अगर आप प्लांट एंड मशीनरी का रेंट पे कर रहे हो। अच्छा मुझे बताइए, अगर लैंड एंड बिल्डिंग का कर रहे हैं तो 10%, ठीक है। प्लांट मशीनरी का कर रहे हैं तो 2%, फर्नीचर का कर रहे हैं तो 10%। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2% है, बाकी सबके लिए 10% है, करेक्ट। और लिमिट कितनी है टोटल, 2,40,000 रुपीज। अच्छा एक बार बताइए, और रिवाइज करते हैं इसको थोड़ा सा। अश्विन अगर रेंट पे कर रहा है मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स ने रेंट पर दिया हुआ है बिल्डिंग, और उसका रेंट है 2 लाख रुपीज, और प्लांट एंड मशीनरी भी रेंट पर दी गई है मिस्टर एक्स की, दोनों चीजें, मिस्टर एक्स ओनर है बिल्डिंग के और प्लांट एंड मशीनरी के, उन्होंने दोनों चीजें रेंट पर दी है अश्विन को, और प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है लेट से 60,000 रुपीज का। तो प्लीज बताइए, क्या 194I के प्रोविजन लगेंगे? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज अश्विन एक्स को पैसे पे कर रहा है टोटल रेंट के, और टोटल रेंट हम यहाँ पर एग्रीगेट करेंगे 2.4 लाख से ऊपर जा रहा है, तो TDS डिडक्ट होगा। कितना होगा उस केस में? 2 लाख के ऊपर, बिकॉज बिल्डिंग है 10%, और 60,000 के ऊपर 2%। समझ में आ गया, 194I रिवाइज हो गया। अब आ जाइए वापस यहाँ पर, शॉप रेंट पेड वन पे, मतलब एक ही सिंगल रिसीवर है, वन पे ही मतलब रिसीवर एक ही है, अच्छी बात है ये। कितना हम इस दिन पे कर रहे हैं? 2,50,000 रुपीज। प्लीज बताइए, क्या हमारे लिमिट से ऊपर जा रहा है? आंसर इज यस, हमारी लिमिट से ऊपर जा रहा है, 2.4 लाख की लिमिट है, उससे क्रॉस हो रहा है, TDS डिडक्ट होगा। रेट बताइए, 10% TDS डिडक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट है कमीशन पेड टू बल्लू। अगर हम किसी को कमीशन पे कर रहे हैं, सेक्शन बताइए कौन सा होता है। तो नॉर्मल कमीशन, देखो अगर ये इंश्योरेंस कमीशन है तो 194D लगता है, अगर ये लॉटरी कमीशन है तो 194G लगता है। अदर कमीशन के ऊपर, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कमीशन लॉटरी कमीशन नहीं लिखता, तो अदर कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर 194H लगता है। तीनों में बहुत सिमिलैरिटी है, तीनों कमीशन वाले सेक्शंस में। इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000 से एक्सीड करेगा तब आप TDS डिडक्ट करोगे। और दूसरी सिमिलैरिटी है, रेट भी तीनों में सेम है 5%, राइट। अब देखते हैं, हमने कमीशन पे की है 194H सेक्शन आ जाएगा यहाँ पर, बट कितनी पे की है? 7,000 रुपीज़, हमारी लिमिट होती है 15,000 रुपीज़, उससे कम पे की है, इसलिए हम उसका TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्ट 15,000 भी क्या होता तो नहीं करते, 15,000 से जब एक्सीड करता है तब आप TDS लगा देंगे। समझ में आ रहा है, सिंपल चल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम लगाता हुआ चलूंगा अपने आपके क्वेश्चंस में, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चंस तो कराना ही कराना है आपको, बट आपको बाकी चीज़ें भी रिवाइज करानी है, ठीक है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो आप करना शुरू करें, और साथ साथ में मैं भी करूँगा, बट मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में करूँगा, ठीक है। बट आप लोगों को भी पहले करना है, फिर आप मेरे आंसर से उसको मैच कर लेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
ओके गाइस डन। चलिए अब चेक करिएगा, सबसे पहले हमें बताना है कि क्या अश्विन के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो हमेशा आंसर करने का क्या फॉर्मेट होना चाहिए आपको, पहले प्रोविजन बताइए एग्जामिनर, ठीक है, प्लेन सिंपल लैंग्वेज में पहले प्रोविजन बताइए, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन से उसको रिलेट कीजिए कि क्या आपका जो क्वेश्चन में गिवन है चीजें क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रही है सेटिस्फाई नहीं कर रही है, राइट। तो पहले प्रोविजन बताना चाहिए फिर अपने क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए, दिस शुड बी द पैटर्न। सिर्फ ये टेक्स्ट में पैटर्न नहीं चलता, इनफैक्ट बाकी सब्जेक्ट्स में भी, आपका कंपनी लॉ का पेपर होता है ठीक है, बाकी जगह पर भी सेम पैटर्न चलता है। ओके, टीडीएस प्रोविजंस, सबसे पहले आपको आंसर का नंबर लिख देना चाहिए, ऑल्दो मैंने यहाँ पर पेज नंबर भी लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ फाइल ऑल्सो विद यू। एन इंडिविजुअल इज, यहाँ पर देखिए मैं प्रोविजन बता रहा हूँ, एन इंडिविजुअल इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, ऐसे देख लीजिए, एन इंडिविजुअल इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस इफ टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ द बिजनेस एक्सीड्स ₹1 करोड़। ठीक है, मैंने सिर्फ बिजनेस के बारे में बात की, प्रोफेशन के बारे में भी 50 लाख होता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी बिकॉज यहाँ पर अच्छे से बिजनेस का था, करेक्ट। अगर आप चाहते तो 50 लाख रुपीज प्रोफेशन के लिए भी लिख सकते थे, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इस यहाँ पर, इसके मैंने नहीं लिखा उसको क्योंकि कुछ टाइम भी तो सेव करना है ना। ठीक है, हेयर द टर्नओवर ऑफ अश्विन ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 इज मोर देन 1 करोड़, क्योंकि यहाँ पर हमारा टर्नओवर 105 लाख दिया हुआ था, मोर देन 1 करोड़, देयरफॉर ही इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस ड्यूरिंग दिस ईयर। देखो लास्ट ईयर का टर्नओवर 22-23 का टर्नओवर ज्यादा था, इसीलिए हम इस साल प्रीवियस ईयर 23-24 में टीडीएस डिडक्ट करेंगे वेर एवर इट वुड बी एप्लीकेबल। ये भी लिख दिया कि ऐसा नहीं कि आप हर पेमेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, वेर एवर इट इज एप्लीकेबल उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन हो, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा तभी डिडक्ट होगा। ओके, अब उन्होंने हमें 4 चीजें दी हुई थी और पूछा था कि टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा, अब एक एक करके सारी चीजें बताइए। जो यूको बैंक के बारे में उसने पूछा था, हम देखिए ऐसे शुरुआत कीजिए, एज पर द टीडीएस प्रोविजंस, राइट। मैंने इसको रेड में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑप्शनल है, अगर आपको अपने एग्जाम में ये सेक्शन का नंबर याद रहता है, ऑल्दो टीडीएस के सेक्शंस तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात होती है, इनकेस मान लेते हैं कि आप भूल जाते हैं एग्जाम में वो सेक्शन, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको फिर मत लिखिएगा, ठीक है। तो ऐसे शुरू कर सकते हैं आप, एज पर द टीडीएस प्रोविजन इफ द इंटरेस्ट, अगर आप सेक्शन के बारे में श्योर नहीं है, अगर आपको कंफ्यूजन है दिमाग में, 2 सेक्शंस दिमाग में आ रहे हैं सर कौन सा लगेगा इसमें, तो फिर कभी भी कोट मत कीजिए, गलत सेक्शन कोट कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप श्योर है 100% तो सेक्शन कोट कीजिए, गलत मत कोट करना, ठीक है। तो टीडीएस के कुछ सेक्शंस होते हैं जिसको मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये याद हो जाए, अगर इनकेस एग्जाम में भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप टीडीएस फिर सेक्शन का नंबर कोट करने की जरूरत नहीं है। एज पर द टीडीएस प्रोविजंस इफ द इंटरेस्ट इज पेड टू बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एलआईसी एटसेट्रा देन नो टीडीएस शुड बी डिडक्टेड, ठीक है। हमारा टीडीएस के प्रोविजंस कहते हैं कि अगर आप इनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट मत करना, सिंस इंटरेस्ट इज पेड टू यूको बैंक देयरफॉर अश्विन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है। देखिए मैंने कोई लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखी हार्ड कोर, सिंपल प्लेन इंग्लिश जो प्रोविजन है उसको मैंने सिंपली उसको प्रेजेंट करा, राइट। करने का तरीका आप लोग नोट कर रहे हैं, प्रेजेंट करने का पहले प्रोविजंस बताइए फिर अपने आंसर से इसको रिलेट कीजिए, ठीक है। सभी आप देखेंगे मैंने ऐसे ही किया होगा, और इनफैक्ट अगर आप इंस्टीट्यूट का भी सजेस्टेड आंसर जब देखते हैं, इनके आंसर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट ने भी इसी तरीके से प्रेजेंट करा हुआ है, हाँ बट वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज हो जाती है, वो इंस्टीट्यूट ने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको बताने के लिए कोट करी है। अब देखिए आपको पता है एग्जाम में हम बिल्कुल एज इट इज लैंग्वेज नहीं लिख सकते, इट शुड बी प्लेन, राइट, इट शुड बी सिंपल। और इनफैक्ट अब तो नया डायरेक्ट टेक्स्ट कोड आ रहा है और वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री यही कह रहे हैं कि हम उसको और सिंपल बना देंगे, इतनी हार्ड कोर लैंग्वेज वगैरह यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल रखेंगे, राइट। हम थोड़ा सिंपलिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू राज, एज पर द टीडीएस प्रोविजंस, अगर आपको सेक्शन का नंबर याद है तो 194C कोट करें, और क्योंकि मैं बार बार इसको मैं खुद बोल रहा हूँ इसको तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बैठ रहा होगा। एज पर द टीडीएस प्रोविजन सेक्शन 194C, इफ द अमाउंट ऑफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 30,000 और इन केस ऑफ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 1 लाख देन टीडीएस प्रोविजन आर एप्लीकेबल, ठीक है।
थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा. इन द गिवन केस सिंस द अमाउंट ऑफ, देखिए पहले मैंने प्रोविजन समझाया, अब मैं अपनी केस के साथ इसको लिंक कर रहा हूं, क्वेश्चन के साथ लिंक कर रहा हूं. इन द गिवन केस सिंस द अमाउंट ऑफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सीड 30,000, क्योंकि वहां पे 30,000 से कोई ऊपर नहीं गया था, एंड एग्रीगेट अमाउंट डज नॉट एक्सीड 1 lakh, TDS शैल नॉट अप्लाई. ठीक है, अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कितना अमाउंट था कॉन्ट्रैक्ट का, राइट, दैट इज योर ऑप्शन. थर्ड था शॉप रेंट के बारे में, तो एज पर द TDS प्रोविजन, अगर सेक्शन का नंबर याद रहे तो करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा. द थ्रेशोल्ड लिमिट 194i की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, 2,40,000 रुपीज की, और बिकॉज हम यहाँ पर जो रेंट पे कर रहे हैं वो 250 कर रहे हैं, अब अश्विन लायबल भी है TDS डिडक्ट करने के लिए, और इसके ऊपर TDS के प्रोविजंस भी लग रहे हैं, थ्रेशोल्ड से ऊपर भी जा रहा है, तो अब तो भाई आप डिडक्ट करिए TDS. TDS शैल अप्लाई एट अ रेट ऑफ 10%. ठीक है, और अगर आप अमाउंट निकालना चाहें, क्योंकि सिर्फ ये पूछा गया था, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि अमाउंट भी निकालिए, तब तो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, बट अगर पूछ रहा है कि लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पर भी अपने आंसर को छोड़ सकते थे, बट टू बी ऑन सेफर साइड फटाफट निकाल भी दीजिए, ज़्यादा टाइम को भी लग रहा है. 2,50,000 का 10%, 25,000 का हम TDS डिडक्ट करेंगे. फोर्थ, एज पर TDS प्रोविजंस, वहाँ पर वो कमीशन की बातें हो रही थी फोर्थ में, राइट, तो वहाँ पे 7,000 का कमीशन था, अब हमें पता है कि 15,000 की लिमिट होती है, तो एज पर द TDS प्रोविजंस 194H ऑप्शनल, द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 15,000 फॉर कमीशन, इन द गिवन केस द अमाउंट इज जस्ट 7,000, देयरफॉर TDS शैल नॉट. क्लियर हो गया, बिल्कुल आप इस तरीके से लिखेंगे, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने वाला है इसमें. ठीक है, अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जैसे मैंने लिखा अब इसको भी याद करने लगे, नहीं. ठीक है, मेरा सिर्फ ये आपको बताने का मोटिव होता है कि आप सिंपल अपने प्लेन लैंग्वेज में लिखें, सिंपल लैंग्वेज में लिखें, पहले प्रोविजंस डिस्कस कर लीजिए सिंपल 3-4 लाइंस में, उसके बाद अपने केस से रिलेट करिए, राइट, ओके. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन द फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय एस लिमिटेड. तो यहाँ पर तो एस लिमिटेड है, ऑब्वियसली कंपनी है, तो कंपनी के लिए तो हम लास्ट ईयर वगैरह का टर्नओवर देखते भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर तो TDS के प्रोविजंस लगेंगे, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, इन सब के ऊपर तो TDS के प्रोविजंस लगेंगे. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, तो इन लोगों ने कुछ पेमेंट्स दी हैं, इन्होंने बोला कंप्यूट द अमाउंट ऑफ TDS. अब ये हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले तो क्या पर्टिकुलर पेमेंट पर TDS है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर बता दीजिएगा नहीं है, अगर है तो आपको अमाउंट भी कंप्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके. तो इन लोगों ने कुछ पेमेंट्स वगैरह दी हुई हैं, तो यहाँ पर 6 पेमेंट्स की हैं इसने, और हमें क्या करना है, हमें बताना है कि TDS आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कितना आएगा. ओके, फर्स्ट पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपसे मैं बोलूँगा करने के लिए इसको. 1st October 2023 को पेमेंट ऑफ 2 lakh टू आर, हमने 2 lakh की पेमेंट करी आर को. ठीक है, आर ट्रांसपोर्ट है. अब देखिए, अगर हम ट्रांस कुछ गुड्स वगैरह या कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है. तो अगेन यहाँ पर 194C एप्लीकेबल हो जाता है अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, राइट. तो ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अगर हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया ट्रांसपोर्टर के लिए भी, तो 194C आ सकता है, करेक्ट. अब डिपेंड करता है कि अमाउंट की लिमिट वगैरह क्या है और यह हम किसको पेमेंट कर रहे हैं. तो पेमेंट, अच्छा, 194C अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, दोबारा से रिवाइज करिए. यहाँ पर रेट क्या होते हैं 194C में, दो रेट्स होते हैं, कौन कौन से, 2% भी होता है, 1% भी होता है. यानी कि अगर रिसीवर, जो रिसीवर है वो एक इंडिविजुअल या HUF है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल और HUF है तो 2%. और यहाँ पर रिसीवर कौन है, सर एस लिमिटेड, नहीं एस लिमिटेड तो पेयर है, रिसीवर कौन है, आर. तो इनकेस अगर यहाँ पर TDS आएगा तो 1% से आएगा. ठीक है, अभी हम पूरा पढ़ लेते हैं इसको. पेमेंट ऑफ 2 lakh टू आर अ ट्रांसपोर्टर हु ओन्स 8 गुड कैरेजेस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एंड फर्निशेज अ डिक्लेरेशन टू दिस अफेक्ट अलॉन्ग विद हिज पैन, वेरी गुड. अब हम 194C में देखो, ट्रांसपोर्टर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है काफ़ी जगह पर. जैसे हम देखते हैं कि हम जनरली बाकी लोगों को तो कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर नहीं कर सकते, बट ट्रांसपोर्टर्स को हम 35,000 तक कर सकते हैं, तो वहाँ पर रिलैक्सेशन है.
दूसरी रिलैक्सेशन इनको टीडीएस में दी है। 194 सी ये कहता है कि देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो 194 सी कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में कवर होता है, टीडीएस लग सकता है। बट इन लोगों को एक रिलैक्सेशन है अगर उनके पास थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं है। तो इन्होंने बोला कि थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर हमारे पास सिर्फ 8 गुड्स कैरेज व्हीकल थे, यानी कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा, उनसे हम ये डिक्लेरेशन मांगेंगे कि आपके पास 10 से ज्यादा गुड्स नहीं थे। तो यहाँ पर इसने डिक्लेरेशन भी फर्निश किया, समझ में आ रहा है, 10 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं थे थ्रू आउट, किसी भी दिन 11 नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, 10 तक है चलेगा, 10 एग्जैक्ट भी है तो भी चलेगा। सेकेंड, डिक्लेरेशन दे इस चीज की कि मेरे पास कभी भी पूरे साल में किसी भी दिन 10 गुड्स से व्हीकल से ज्यादा नहीं थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना पैन नंबर भी फर्निश करना पड़ेगा, आपको पैन नंबर भी हमें देना पड़ेगा। तो आर आप ये हमें डिक्लेरेशन दीजिए प्लस पैन नंबर दीजिए। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आर ने इस चीज की डिक्लेरेशन भी दी और साथ साथ में पैन नंबर भी दिया। तो अब हम इस केस में ऑल्दो हमारी 194 सी की लिमिट 30,000 है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक्सीड हो रही है। अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखेंगे तो 1 लाख की लिमिट भी एक्सीड हो रही है। तो ऑल्दो हमारी लिमिट एक्सीड हो रही है बट ये एक्सेप्शन में आ गया, रिलैक्सेशन में आ गया, तो इसके ऊपर इस केस में हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन कुछ उल्टा पूछ लेता है, अगर ये बोलता है कि आर को हमने 2 लाख पे किए, उसने इस चीज की डिक्लेरेशन भी दी बट पैन नहीं दिया अपना, उसने अपना पैन नहीं दिया, तो अब तो टीडीएस आएगा, राइट। अब आप टीडीएस डिडक्ट करोगे, कितना डिडक्ट करोगे? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक छोटी सी गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं कि सर अब तो टीडीएस आएगा और क्योंकि हम किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अरे बॉस, एक आपको जनरल प्रोविजंस भी याद है टीडीएस का, वो ये कहता है कि इनकेस अगर सामने वाले ने अपना पैन फर्निश नहीं किया तो फिर उसको हायर रेट से टीडीएस जाता है, तो फिर उस केस में हायर रेट क्या हो जाता है 20%, तो फिर उस केस में आर का टीडीएस 20% आता है। तो यहाँ पर देखो एग्जामिनर बहुत क्लेवरली आपको घुमाने की कोशिश करेगा, बट प्लीज आप लोग प्लीज ट्रैप में मत आइएगा, ठीक है। तो अगर सामने वाला पैन नंबर नहीं देता तो टीडीएस डिडक्ट हो गई होगा और वो भी हायर रेट ऑफ टीडीएस लग जाएगा उस केस में 20%, जो भी रेट होता है उस सेक्शन का या 20% विच एवर इज हायर, तो 20% लग जाएगा, ओके। बट इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सबको समझ में आ गया ये केस, ठीक है। अभी मैं आपसे कराऊंगा भी और फिर आप बाद में मेरे आंसर से चेक भी कीजिएगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऑफ 25,000 एंड रॉयल्टी ऑफ 20,000 टू मिस्टर श्याम हु इज हैविंग अ पैन नंबर, ओके। अब हम टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी की पेमेंट कर रहे हैं, इसके लिए हमें हमारे पास एक सेक्शन है 194J, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है 194J, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, किसी रॉयल्टी की पेमेंट कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, अपने नॉन कॉम्पिटिंग फीस की पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो 194J काफी सारी चीजों पर लगता है, मैं पूरा बता देता हूँ एक बार। 194J टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट के ऊपर, रॉयल्टी, प्रोफेशनल सर्विसेज, नॉन कॉम्पिटिंग फीस और डायरेक्टर को पैसे अगर आप पे कर रहे हैं तो 194J में टीडीएस डिडक्ट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये, तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 रुपीज है, बट वो हम इंडिविजुअली देखते हैं। इंडिविजुअली मतलब टेक्निकल सर्विसेज के लिए अपनी 30,000 लिमिट होगी, रॉयल्टी के लिए अपनी 30,000 होगी, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अपनी 30, नॉन कॉम्पिटिंग के लिए अपनी 30, डायरेक्टर्स को अगर हम पैसे पे कर रहे हैं, सेटिंग फीस वगैरह पे कर रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। याद कर लीजिएगा, डायरेक्टर्स के लिए 30,000 की लिमिट नहीं है, उस उनके को कुछ भी पेमेंट करो आप, ठीक है। हाँ, अगर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी कर रहे हो, अगर ये एम्प्लॉई है तो फिर तो हमारा सैलरी का सेक्शन आ जाता है 192, ठीक है। अदर देन सैलरी एम्प्लॉई नहीं है तो 194J आएगा और इनके लिए कोई लिमिट नहीं होती, बाकी के लिए लिमिट है। बट प्लीज ऐड मत करिएगा ये सब लिमिट, टेक्निकल सर्विसेज जितनी भी टेक्निकल सर्विसेज है उनके एक साथ ऐड करना अलग से, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अलग से 30,000। तो इस तरीके से आप टीडीएस लगाते हैं। रेट क्या होता है 194J में? रेट होता है जनरली 10%, 194J का ना जनरली जो रेट होता है वो 10% होता है। मैं जनरली वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ जगह पर 2% भी है। कहाँ कहाँ पर है 2%? एक तो टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% रहेगा, ठीक है। दूसरा, रॉयल्टी के लिए 10 रहेगा, बट अगर वो रॉयल्टी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स वाली है तो उसके लिए 2% रहेगा। और तीसरा होता है अगर असेसी सिर्फ एंगेज्ड है ओनली इन द
सर्विसेज ऑफ कॉल सेंटर, उससे हम सिर्फ कॉल सेंटर वाली सर्विस ले रहे हैं, वो उसका बिजनेस सिर्फ कॉल सेंटर का है तो भी 2% रहता है, अदरवाइज 10% है, ठीक है। तो मेनली ना 10% कॉल सेंटर वाला इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 2% टेक्निकल सर्विसेज के लिए याद रखिएगा, और एक रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स 2% है, अदर रॉयल्टी 10% है, ठीक है। ये 194J मैंने समरी दे दिया आपको। अब मुझे प्लीज इससे बताइए, क्या हम 194J में टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर TDS डिडक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि लिमिट यहां पर 30,000 से एक्सीड नहीं कर रही है। रॉयल्टी के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लिमिट 30,000 से एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है। अगर आप उससे बोलेंगे सर 25 और 20 का एग्रीगेट कर लीजिए, 45,000 हो रहा है, हम मिस्टर शाम को पैसे पे कर रहे हैं सर 30,000 से ऊपर, आंसर इज नो। अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ पर हम टेक्निकल सर्विसेज के लिए अलग देखेंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अलग देखेंगे, रॉयल्टी वगैरह के लिए अलग देखेंगे, राइट। तो इसका मतलब हम इंडिविजुअल देखेंगे, और कुछ कुछ भी हमारा 30,000 से एक्सीड नहीं हो रहा है, TDS डिडक्ट नहीं होगा, सिंपल। आ जाइए नेक्स्ट पर, पेमेंट ऑफ 25,000 टू मेसर्स एक्स लिमिटेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। हमने एस लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को पेमेंट कर रहा है, एस एक्स को कर रहा है, कितनी पेमेंट कर रहा है? 25,000 रुपीज फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। रिपेयर के लिए भी 194C होता है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क, रिपेयरिंग कराना 194C में आता है। बट आप लोग जानते हैं कि वहां पर सिंगल लिमिट 30,000, एग्रीगेट में 1,00,000 रुपीज, वो भी एक्सीड नहीं हो रही है, TDS डिडक्ट नहीं होगा, सिंपल है ये। तो अब हम 194C तो हम काफी बार अब रिवाइज कर चुके हैं, तो हमें आ गया है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ 2,00,000 मेड टू मिस्टर ए फॉर परचेज ऑफ डायरीज मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ एस लिमिटेड, हाउएवर नो मटेरियल वाज सप्लाइड फॉर सच डायरीज टू मिस्टर ए बाय एस और इट्स एसोसिएट्स। अगेन 194C की बातें यहां पर हो रही हैं, बट इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। 194C कहता है कि अगर आप किसी से भी कुछ काम कराते हैं, वर्क, कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कुछ काम कराते हैं वर्क, तो उसके ऊपर हम TDS डिडक्ट करते हैं, वर्क के ऊपर TDS डिडक्ट करते हैं, राइट। मान लेते हैं कि यहां पर ये एस लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड, अगर फॉर एग्जाम्पल वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि उसको अपने ऑफिस के लिए कुछ डायरीज चाहिए, कुछ डायरीज चाहिए, और वो डायरीज का मटेरियल एस लिमिटेड सप्लाई करता है, और इसके ऊपर बोलता है कि आप ना हमें इस डायरी के ऊपर लोगो प्रिंट करके दीजिए, ठीक है, लोगो प्रिंट करके दीजिए, इसके ऊपर कुछ बाइंडिंग करके दीजिए, या कुछ बाकी ऐसी चीज, हम लोग अपने मटेरियल, हमने इसको अपना मटेरियल सप्लाई किया और हम इससे कुछ काम करा रहे हैं, जॉब वर्क करा रहे हैं, राइट। तो दिस इज will be considered, this will be included in the definition of work, और इसके ऊपर 194C लगेगा। यानी कि अगर आप इसको अपना material दे रहे हैं और ये इसके ऊपर कुछ job work कर रहा है, तो this is 194C TDS deduct होगा, correct। या फिर S limited नहीं देता इसको material, S limited का कोई associates दे देता, ठीक है, S limited की कोई sister concern है, वो इसको material supply करती है, तो same माना जाएगा job work है ये, right। अगर मान लेते हैं कि एस लिमिटेड इसको बोलता है कि बॉस हमारे लिए आप इस तरह की डायरीज बनाइए, स्पेसिफिकेशंस दे दी, इस तरह का हमारा लोगो लगेगा, और ये बोलेगा सर वो आप अपनी डायरीज वगैरह तो दीजिए, मटेरियल तो दीजिए, वो कहता है नहीं 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 हम अपना मटेरियल नहीं दे रहे हैं, आप मटेरियल खुद ही अरेंज कीजिए, आप कहीं और से परचेज करें, खुद ही अरेंज करें, आप खुद ही डायरीज बनाएं, मटेरियल वगैरह आप ही लाएंगे, हम आपको स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं, राइट। तो क्या ये जॉब वर्क हुआ? द आंसर इज नो, ये तो एक परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन हो गई, ये तो ऐसा माना जाएगा कि एस लिमिटेड इससे परचेज कर रहा है डायरीज, ऑल्दो उसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आ रही है, बट सारा का सारा मटेरियल ये वाला जॉब वर्कर खुद ही अरेंज करेगा, राइट। ये कहीं और से ये खरीदता है मटेरियल, फिर आपके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वो डायरीज वगैरह बना रहा है, फिर वो आपको सप्लाई कर रहा है, तो ये जॉब वर्क वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह गया, ये तो परचेज और सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो इस केस में TDS डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर अगर इन केस एस लिमिटेड मटेरियल सप्लाई करता है, या एस लिमिटेड की कोई एसोसिएट सिस्टर कंसर्न अगर मटेरियल सप्लाई करते, तो ये जॉब वर्क होता, अब ये जॉब वर्क नहीं रह गया, इट इज अ परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन, समझ रहे हो। तो यहां पर देखिए, आप दोबारा से पढ़ते हैं इसको, हमने पेमेंट की 2,00,000 रुपीज की, एस लिमिटेड ने इसको पेमेंट करी 2,00,000 रुपीज की, किस चीज की? मेड टू ए, ये ए है,
फॉर परचेज ऑफ डायरीज, हमने सिर्फ परचेज की डायरीज मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, हमने इसको स्पेसिफिकेशन दी बॉस इस तरह की, हमें डायरी चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए, इस कलर की चाहिए, यहां यहां पर हमारा लोगो लगाइएगा आप। हाउएवर नो मटेरियल वाज सप्लाइड ऑफ सच डायरीज, कोई मटेरियल एस लिमिटेड ने सप्लाई नहीं किया, एस लिमिटेड की कोई एसोसिएट ने सप्लाई नहीं किया, यानी कि मिस्टर ए ने ये इसका मटेरियल खुद ही अरेंज किया है। अरेंज करने का मतलब इसने कहीं और से थर्ड पर्सन से खरीदा होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या पे कर रहे हैं, हम तो इसको पूरी डायरी की वैल्यू पे कर रहे हैं, करेक्ट। तो दिस इज अ परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर टीडीएस नहीं आएगा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वर्क की डेफिनेशन में ये नहीं आता है, तो देयर इज नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C, समझ गए। एस लिमिटेड मटेरियल सप्लाई कर रहा होता है, उसकी एसोसिएट कर रही होती तो तब आ जाता, अब नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट, 1 जनवरी को हमने पेमेंट की 230,000 की टू मिस्टर भारत फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ हिज हाउस एज पर द लॉ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर अगर इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो वी हैव अ सेक्शन 194LA, वो कहता है फिर टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 250,000 से एक्सीड करती है, यहाँ पर लिमिट 250,000 से एक्सीड नहीं कर रही है, इसलिए टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, एल ए छोटा सा सेक्शन है, 2.5 लाख याद रखिएगा, ठीक है। रेट 10% रहता है वहाँ का। ओके नेक्स्ट है पेमेंट टू कमीशन 14,000 रुपीज, कमीशन हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, 194H है, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब आप लोग बताइए क्यों नहीं होगा टीडीएस डिडक्ट, सिर्फ 15,000 की लिमिट है, यहाँ पर 14,000 है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, वेरी गुड। अब आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, ऑर्डर भी दूंगा, प्लीज़ यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, चुपचाप इसको पॉज करो, अपनी लैंग्वेज में पूरा, जैसे कि अगर ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, 10 मिनट का टाइम लो, प्रेजेंट करो। देखिए अगर आप यही क्वेश्चन कर लेंगे ना, ऑल दो मैं काफ़ी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, अगर ये बहुत लंबी क्लास बनेगी तो पार्ट वन इसके पार्ट टू भी कर दूंगा मैं इसका, बट अगर आप इसके आधे क्वेश्चन भी खुद भी ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं।
तो आई बिलीव आप लोगों ने कर लिया होगा। सी फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज टू आर अ ट्रांसपोर्टर। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं है एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पैन नंबर फर्निश करते हैं, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर बोला कि एज पर द टीडीएस प्रोविजंस 194C, वैसे तो मुझे लगता है कि 194C अब आपको याद हो गया होगा और एग्जाम में प्लीज इसको कोट कर दीजिएगा आप। एज पर द टीडीएस प्रोविजंस टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन केस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है 194C में। बट अगर ट्रांसपोर्टर फर्निश कर दे अपना पैन अलॉन्ग विद अ डिक्लेरेशन और ये बोले कि मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर कभी भी 10 गुड्स व्हीकल से ज्यादा नहीं थे, देन टीडीएस विल नॉट अप्लाई। और बिकॉज अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपने प्रोविजन समझा दिया करेक्ट, उसके बाद आप बता दीजिए कि इन द गिवन केस द ट्रांसपोर्टर हैज गिवन सच डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद देयर पैन नंबर, तो इसीलिए अब हम यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, एज पर सेकेंड, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी के लिए था, बट दोनों में 30,000 क्रॉस नहीं हो रहा था। एज पर टीडीएस प्रोविजन सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है ये 194J, याद रहे तो लिख दीजिएगा, नहीं याद रहे तो छोड़ दीजिएगा, सिंपल ऐसे लिख दीजिएगा। एज पर टीडीएस प्रोविजन टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ द इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड लिमिट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि टेक्निकल सर्विसेज की आप अलग से देखिए, रॉयल्टी आप अलग से देखिए, प्रोफेशनल सर्विसेज होती तो उसकी अलग से थ्रेशोल्ड लिमिट देखते। इफ द इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी एक्सीड 30,000, तो 194J बाकी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, नॉन कॉम्पिटिंग फीस के बारे में, डायरेक्टर फीस के बारे में, बट उसकी बातें हम लोग यहाँ पर कर नहीं रहे हैं बिकॉज जरूरत नहीं थी, सिर्फ जरूरत थी यहाँ पर टेक्निकल सर्विसेज की और रॉयल्टी की। तो आप एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं। इन द गिवन केस 25,000 इज पेड फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड 20,000 इज पेड फॉर रॉयल्टी, यानी कि दोनों की इंडिविजुअल वाइज कभी भी 30,000 से ऊपर नहीं गया है, तो इस केस में भी टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रिपेयर ऑफ बिल्डिंग के लिए, तो रिपेयर कराना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, 194C इसके ऊपर लग सकता है। सेम बात रहेगी, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है 30,000, एग्रीगेट है, मल्टीपल्स हैं, तो 1 लाख कर दीजिएगा। एज पर 194C फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिपेयर ऑफ बिल्डिंग टीडीएस इज रिक्वायर्ड इफ द सिंगल कॉन्ट्रैक्ट थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड 30,000 और फॉर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ₹1 लाख। इन दिस केस क्योंकि हमारी लिमिट 30,000 से क्रॉस नहीं कर रही थी, इट वॉज जस्ट 25,000, इसीलिए टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, सिंपल। नेक्स्ट फोर्थ था जो मैंने आपको समझाया था कि हम डायरीज एक्चुअली परचेज कर रहे थे, यहाँ पर कोई हम जॉब वर्क नहीं करा रहे हैं, अगर हम लोग खुद मटेरियल सप्लाई करते या फिर हमारा कोई एसोसिएट सप्लाई करता और उसके ऊपर हम कुछ काम करने के लिए बोलते, दैट वुड बी द जॉब वर्क। बट अगर हम उसको बोलेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग स्पेसिफिकेशंस देंगे कि आप लोग डायरी बना दीजिए, वो पूछेगा रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, हम बोलेंगे आपकी प्रॉब्लम है, आप लेकर आइए कहीं से, तो वो कहीं और से थर्ड पर्सन से रॉ मटेरियल खरीदता है, फिर वो हमें सप्लाई कर रहा है डायरी, तो दिस इज अ परचेज सेल कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर टीडीएस नहीं आएगा, राइट। तो आई बिलीव आप आराम से कर लेंगे। चलिए एक बार मैं रीड कर रहा हूँ इसको। एज पर टीडीएस प्रोविजन 194C वर्क इंक्लूड्स जॉब वर्क, वर्क में इंक्लूड करते हैं जॉब वर्क, अगर विच इज परफॉर्म्ड ऑन द मटेरियल सप्लाइड बाय द कस्टमर, अगर कस्टमर अपना मटेरियल सप्लाई कर रहा है और आपको बोल रहा है कि इसके ऊपर कोई जॉब वर्क करके दीजिए, या फिर कस्टमर सप्लाई कर रहा है और देयर एसोसिएट्स, इफ द मटेरियल इज सप्लाइड बाय एनी अदर पर्सन, अगर कोई और मटेरियल सप्लाई कर रहा है यानी कि वो कहीं और से अरेंज कर रहा है मटेरियल, then such transaction is not included in the definition of work, वो फिर work की definition में include नहीं करते हैं उसको, and TDS provision shall not apply, फिर वो simple purchase sale की transaction बन जाती है। तो इस case में ऐसा ही हुआ था, जो S limited था या फिर उसके associate था, उन लोगों ने raw material supply नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ specification बताई थी, raw material वो job worker खुद ही arrange कर रहा है, तो this will become a purchase sale transaction, इसीलिए TDS deduct नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट था कंपलसरी एक्विजिशन के बारे में, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्विजिशन होती है, अब आपको पता है 2.5 लाख से ज़्यादा अगर होगी तो 10% टीडीएस लगता है, यहाँ पर 2.5 लाख नहीं था, 230 था, इसीलिए टीडीएस नहीं आया, सिंपल है। 194H हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको पता है 15,000 इसकी लिमिट होती है, अगर उसको क्रॉस नहीं कर रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा।
करेक्ट, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री पर। ओके, थर्ड, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजंस एंड द टीडीएस अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले आपको बताना है क्या टीडीएस प्रोविजंस लगेंगे या नहीं लगेंगे, और अगर इन केस लगेंगे तो यू हैव टू टेल द टीडीएस अमाउंट। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, रेंट पेड फॉर हायर ऑफ मशीनरी, पहले मुझे बताइए प्लीज, रेंट पेड फॉर हायर ऑफ मशीनरी टीडीएस सेक्शन है हमारे पास 194I, इसके ऊपर लगता है। और इनकेस अगर हमने मशीन हायर पर ली है तो 2%, अदर देन मशीन से तो 10%, करेक्ट। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है यहाँ पर, 240,000 rupees। 194I इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन इन टीडीएस। ओके, लेट्स रीड इट। रेंट पेड फॉर हायर ऑफ मशीनरी बाय बी लिमिटेड टू रमन 260 ऑन दिस डेट, 260,000, 246 क्रॉस हो रहा है, यानी कि ये टीडीएस आएगा। अच्छा, पहले मुझे बताइए कौन किसको पैसे पे कर रहा है। सर, बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड रमन को पैसे पे करती है, राइट, क्योंकि हायर ऑफ मशीनरी बाय बी लिमिटेड, बी लिमिटेड ने हायर पर ली है। तो देर इज अ कंपनी हु इज नाउ अ टैक्स टीडीएस डिडक्टर, वो टीडीएस डिडक्ट करेगी रमन का एट अ रेट ऑफ 2%, बिकॉज इन केस ऑफ हायर ऑफ मशीन 2%, अदर देन मशीन पे होता तो 10% आ जाता। तो 260,000 के ऊपर हम लोग बताएंगे 10%, क्योंकि हमें क्या बताना है, पहले बताइए टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा। तो आंसर इज यस, लगेगा। 194I में टीडीएस डिडक्ट होगा 10% के रेट से, बिकॉज थ्रेशोल्ड लिमिट 2.4 lakh को एक्सीड कर रही है। फिर अमाउंट भी आपको बताना पड़ेगा, तो 260,000 का 2% आप लोग बता दीजिएगा, 10 मत लगाइएगा यहाँ पर, मशीनरी है तो 2% लगेगा। ओके, बी, फीस पेड ऑन 1/12/23, ठीक है, टू डॉक्टर श्रीवत्सन, श्रीवत्सन को हमने, डॉक्टर साहब को पैसे पे करे हैं। ओके, किसने पे किए हैं, बाय सुंदर HUF। सो देयर इज एन HUF हु आर पेइंग प्रोफेशनल फीस टू डॉक्टर श्रीवत्सन, राइट। डॉक्टर श्रीवत्सन इज द रिसीवर, HUF इज द पेयर। तो क्या HUF भी TDS डिडक्ट कर सकती है? हमें पता है कि अगर इंडिविजुअली HUF अगर इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 crore या 50 lakh से एक्सीड करता है तो ये TDS डिडक्ट कर सकते हैं, अगर इन लोगों ने प्रोफेशनल फीस पे की है अंडर सेक्शन 194J, राइट। अब 35,000 rupees पे करा है, 194J में हमारे पास लिमिट है 30,000 rupees की, तो उससे ज्यादा पे की है। फॉर सर्जरी परफॉर्म ऑन द मेंबर ऑफ द फैमिली, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, बिकॉज नाउ इट इज फॉर अ पर्सनल नेचर, ये पर्सनल नेचर की। अब देखिए यहाँ पर 194J में लगाने वाला था, करेक्ट, बिकॉज 30,000 से ज्यादा की लिमिट है, ये एज्यूम करते हुए कि क्योंकि लास्ट ईयर का टर्न ओवर नहीं दिया गया, तो वहां पर हम एजम्पशन लिख सकते हैं कि टर्न ओवर एक्सीड कर रहा होगा 1 crore का है, 50 lakh का है, एज द केस में भी, तो एजम्पशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 194J लगाने वाला था, बट रीजन क्या आ गया, नहीं लगा पाएंगे, रीजन बीइंग क्योंकि ये पर्सनल नेचर की है, 194J ये कहता है, और सिमिलर बात ये 194C भी बोलता है, 194CJ सेम बातें बोलते हैं कि अगर ये बिजनेस नेचर के लिए पैसे पे कर रहे हो तो TDS डिडक्ट होगा, पर्सनल पर्पज के लिए कर रहे हो तो TDS डिडक्ट नहीं होगा। तो बॉस यहाँ पर 194J तो लगने वाला है। अब क्या करें, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक दूसरा सेक्शन है हमारे पास 194M, हमारे पास एक दूसरा सेक्शन है। एक्चुअली तीन चीजों पर ये आता है मेनली, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी से प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं, या फिर आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज देते हैं, तो उसके ऊपर आता है। बट हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक सेक्शन है 194C, प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर 194J है, कमीशन ब्रोकरेज के ऊपर 194H, राइट। अब देखिए 194M शुरू कैसे होता है, ये कैसे शुरुआत करता है, ये कहता है कि अगर आप किसी को इन चीज़ों का पैसा पे करते हैं, आप कुछ एक्सपेंसेस इस तरह से कर रहे हैं, और आप इन सेक्शंस में TDS नहीं डिडक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज वो किसी ना किसी वजह से वो आपके ऊपर सेक्शंस लग नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए 194M हेल्प करेगा, राइट। जैसे कि हमारे केस में ये HUF 194J लग जाता, बट क्यों नहीं लग रहा है, बिकॉज इट इज़ फॉर पर्सनल नेचर। तो इनकेस अगर आप 194J में TDS डिडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो 194M में कर सकते हैं। कितना TDS डिडक्ट होता है 194M में? 5%।
प्रोवाइडेड, बट इसकी लिमिट काफी ज्यादा है 50 लाख रुपीज। अगर आप पूरे साल में 50 लाख रुपीज से एक्सीडिंग पे करते हैं तभी 194M आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो इस केस में 194J तो लगेगा नहीं, रीजन भी बिकॉज पर्सनल नेचर की है। 194M को हम कोशिश कर रहे थे लगाने की बट लग नहीं पाएगा बिकॉज वो हमारी 194M की लिमिट ही बहुत ज्यादा होती है, थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपीज, और यहाँ पर हम जस्ट 35,000 रुपीज पे कर रहे हैं। इस केस में कोई टीडीएस दोनों सेक्शंस में से कोई भी सेक्शन लग नहीं पाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर टीडीएस नहीं लगेगा। तो आप दोनों सेक्शंस के बारे में रेफरेंस दे देंगे, राइट। 194J के बारे में भी, वो क्यों नहीं लगाया आपने, बिकॉज पर्सनल नेचर की है। 194M क्यों नहीं लगाया आपने, थ्रेशोल्ड लिमिट की प्रॉब्लम आ गई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, समझ रहे हो, इजी है ना। टीडीएस एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड कंपनी है, पेड 19,000 टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर एज अ सिटिंग फीस ऑन 1/1/2023। अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया दोबारा से, 194J। अब एबीसी कंपनी लिमिटेड है, कंपनी पैसे पे कर रही है डायरेक्टर को, ठीक है। 194J में ये चीजें कवर्ड है, डायरेक्टर्स को अगर आप पैसे पे कर रहे हैं तो 194J कवर करता है। सर 194J में हमें पता है कि टेक्निकल सर्विसेज भी था, रॉयल्टी भी था, प्रोफेशनल सर्विसेज भी था, नॉन कंप्यूटिंग फीस भी था। सर उन सबके लिए इंडिविजुअली लिमिट अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई थी 30,000 थी, बट यहाँ पर तो हम 19,000 पे कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आप टीडीएस नहीं लगाएंगे? द आंसर इज लगाएंगे यहाँ पर। और शायद आपको अगर याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि अगर आप डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो इस केस में 194J में जब ये कंपनी यहाँ पर 19,000 रुपीज दे रही है डायरेक्टर को, ऑल्दो ये 30,000 रुपीज से कम है, बट टीडीएस हम लगा देंगे, रीजन भी डायरेक्टर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, राइट। कितना टीडीएस लगता है 194J में? जनरल रेट 10% है, जनरल रेट 10% है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। हाँ कभी कभी 2% भी होता है 194J में, अगर आप किसी टेक्निकल सर्विसेज के लिए पैसा पे कर रहे हैं तो 2% होता है। रॉयल्टी कौन सी रॉयल्टी? सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स वाली 2% होता है, करेक्ट। अदर्स के लिए 10% होता है। तो यहाँ पर हम लोग कितना डिडक्ट करेंगे? 10%, बिकॉज दिस इज फॉर डायरेक्टर फीस। तो 19,000 के ऊपर 10% लगा दीजिएगा। प्लीज सिर्फ ये मत लिख कर आइएगा कि टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा 194J में, प्लीज चेक कर लीजिएगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, वो टीडीएस का अमाउंट भी पूछ रहा है आपसे। तो यू हैव टू, जहां जहां पर फर्स्ट केस में टीडीएस आया है, सी वाले केस में टीडीएस आया है, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट एज वेल। कर लोगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, करना शुरू करें, लिखें। मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आप आराम से लिख पाएंगे और फिर फटाफट आप मेरे आंसर से इसको चेक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आई बिलीव आप लोगों ने कर लिया होगा। सो फर्स्ट वन वॉज रिगार्डिंग 194I टीडीएस ऑन रेंट, यहाँ पर 2,40,000 रुपीज की लिमिट होती है बिकॉज वी आर पेइंग 2,60,000 रुपीज, तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इजी था ये। सेकेंड, 194J अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज पे करते हैं तो 194J आता है, बट इट इज नॉट फॉर पर्सनल नेचर सर्विसेज। तो इनकेस अगर आप पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं तो 194J नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, एज पर द टीडीएस प्रोविजन सेक्शन 194J, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज इफ द अमाउंट एक्सीड्स 30,000 रुपीज
प्रोवाइडेड द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस नेचर, आपका ये बिजनेस नेचर का एक्सपेंस है तब आप अलाउ करेंगे, अदरवाइज आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, राइट। इन द गिवन क्वेश्चन, सिंस द प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर श्रीवत्सन इज ऑफ पर्सनल नेचर, देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ 194J इज नॉट एप्लीकेबल। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपने 194J लगाया क्यों नहीं है, बिकॉज ऑल्दो लिमिट क्रॉस कर रही है, 30,000 से क्रॉस कर रहा था, बट 194J आएगा नहीं, बिकॉज वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। दूसरा, अब हम लोग जानते हैं कि अगर 194J नहीं लगता है तो वी हैव अनदर सेक्शन 194M जो प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर लग जाता है। तो हाउएवर इफ सेक्शन 194J डज नॉट अप्लाई, तो TDS कैन बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194M। तो एक इंडिविजुअल या HUF 194M में TDS डिडक्ट कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर या कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर, प्रोवाइडेड वो थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख को क्रॉस करती है। तो इस केस में क्या हुआ, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि 194J नहीं लग रहा तो 194M अप्लाई हो सकता था, बट वो भी अप्लाई नहीं हो पाएगा बिकॉज थ्रेशोल्ड लिमिट से बहुत कम पेमेंट हुआ है, जस्ट 35,000 रुपीज का, इसीलिए 194M अप्लाई नहीं। ओके, सी, यहां पर हम लोग पेमेंट कर रहे थे डायरेक्टर्स को, एक कंपनी डायरेक्टर को पेमेंट कर रही है, तो वी अंडरस्टैंड 194J यहां पर भी आता है, और ऑल दो इंडिविजुअल लिमिट 30,000 होती है, बट इन केस ऑफ डायरेक्टर फीस अगर आप डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ सैलरी, अगर वो सैलरी के नेचर की पेमेंट है, डायरेक्टर हमारे इंप्लॉई है, तो वी हैव अनदर सेक्शन फॉर सैलरी 192, राइट। बट नाउ इट इज 194J बिकॉज दिस इज अदर देन सैलरी। तो यहाँ पर हम डायरेक्टर फीस के लिए 10% TDS डिडक्ट करते हैं 194J में, और देयर इज नो लिमिट फॉर डायरेक्टर फीस। टेक्निकल सर्विसेज के लिए इंडिविजुअल लिमिट 30,000 होती है, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, नॉन कॉम्पिटिंग फीस के लिए, राइट, उन सब के लिए 30,000 की इंडिविजुअल लिमिट होती है, बट डायरेक्टर फीस के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो 19,000 के ऊपर हम 10% TDS डिडक्ट करेंगे 1900। तो दो जगह पर TDS हमारा आया, फर्स्ट में और थर्ड में, और हमें क्योंकि रेट भी बताना था और अमाउंट भी बताना था, सो वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट एज वेल, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को ये पार्ट वन रखते हैं इसका, अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग पार्ट टू में, जहाँ पर मैं आगे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।